एक प्रश्न आया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने किया है। पूछते हैं कि बुद्ध के अनुयायी की क्या पहचान है, और मेरा उत्तर थोड़ा लेट हो गया, तो एक दिन फोन पर वो कहने लगे कि बुद्ध का जो अनुयायी होता है वो गंजा होता है, ऐसे कपड़े पहनता है, वैसे कपड़ा पहनता है। तो मुझे पता चला, मेरे ध्यान में आया कि ये तो काफ़ी बड़ी भ्रांति है जो फैली हुई है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए। एक बात तो यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट करके जान लें कि बौद्ध या बोध, संस्कृत में इसे बोलेंगे तो बौद्ध, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोध, क्योंकि पाली भाषा में दो मात्राएं नहीं होती, औरत वाली जो दो मात्राएं हैं वो पाली भाषा में नहीं होती, इसलिए पाली में इसको बोध धम्म बोलेंगे और संस्कृत में इसको बोलेंगे बौद्ध धम्म। उस धम्म के मानने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं, या जो मानते हैं, या जो आधा अधूरा मानते हैं, या पूरा मानते हैं, या किसी और रूप में मानते हैं, या किसी और नाम से मानते हैं, बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। बुद्ध का कोई भी संप्रदाय या कोई कॉलोनी या कोई कम्युनिटी नहीं है, और ना ही कम्युनिटी बनाने का कोई नियम भी है। बुद्ध ने जितना वर्क किया वो मनुष्य के, दुनिया के तमाम मनुष्य की खुश रहने के लिए बनाए कि जीते जी वो कैसे सुखी रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे। उसमें जो साधारण मनुष्य, यानी जिनको सेल्वेशन, जिनको मोक्ष, जिनको निर्वाण प्राप्त नहीं करना या जिनको अर्हत नहीं होना है, उनके लिए साधारण से पांच नियम हैं जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। और ये पंचशील के नियम जो भी इनको मानेगा, इनको वारित नियम बोलते हैं, वो सुखी हो जाएगा। पांच सील के नियम आपको पता होता है, सब दुनिया जानती है, आप नेट पर देख सकते हैं। चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, और नशा या नशे की कोई भी चीज़ नहीं आपने इस्तेमाल करनी है। ये पांच नियम हैं, इन पांच नियमों को दुनिया का जो आदमी प्रैक्टिस करेगा उसको फ़ायदा होगा। वो बुद्ध को माने या ना माने, उसकी फ़िलासफ़ी माने या ना माने, या वो किसी और फ़िलासफ़ी के नाम से मानता हो, या वो बिना फिलॉसफी के भी इनको मानता हो, अगर वो सोसाइटी में रहता है और ये पांच नियम मानता है तो ये उसकी पहचान है। इसी से उसका व्यवहार बनेगा, इसी से उसको दुनिया जानेगी, और इसी से उसको पता चलेगा कि वो कैसा अनुयायी है या कैसा वो इन चीज़ों का मानने वाला है। इसके अलावा जो लोग बुद्ध संघ, जो संघ में रहते हैं, यानी जिनको अर्हत होना है, निर्माण प्राप्त करना है, होना है, उनमें जो मनुष्य में जो मेल है उनके लिए 227 नियम हैं, और जो फीमेल हैं उनके लिए 311 नियम हैं। यानी फीमेल के लिए 311 और मेल के लिए 227 नियम हैं जिनको विनय के नियम बोलते हैं। इन नियमों को जो व्यक्ति मानेगा, जो इन पर चलेगा, वो उनका टीचर बनेगा, यानी कि वो भिक्कू बनेगा। उसी में ये होता है कि सर के बाल काटने हैं, शरीर के बाल काटने हैं, कपड़े ऐसे पहनने हैं, चलना ऐसे है, खाना ऐसे है, पीना ऐसे है, ये सारी बातें उन नियमों में आती हैं। बुद्ध का जो अनुयायी है यानी उपासक है, जिसको पांच सील के नियमों का पालन करना होता है, वो फ्री है पूरी दुनिया में कि वो कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, इन पांच नियमों का पालन करे। पांच नियमों के अंतर्गत जो चीज़ आती है वो उसमें उसके रहने का उसका पर्सनल होता है। वो कैसे कपड़े पहनता है, किस भाषा को बोलता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, इन पांच नियमों के अधीन ही होता है। इन पांच नियमों से अगर परे वो करेगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, फिर नुकसान मिलेगा। इसलिए कृपया करके कभी भी जो भिक्कू के टीचर के, भिक्कुणी के, थेरा के, महाथेरा के जो 311 या 227 नियम हैं, उनको अपने नियमों, यानी पांच जो मनुष्य के नियम हैं, जो उपासक के नियम हैं, उनसे कंपेयर ना करें। इसी से आपकी पहचान बनेगी, और यही साधारण सी बात है। धन्यवाद।